हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। आई एम साइमा। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वैनिटी टूर, मेरी मेकअप वैनिटी मेकअप एरिया, जो कि एक लड़की के लिए बहुत स्पेशल होता है, बहुत दिल के करीब होता है। आज से 2 साल पहले 2020 में मैंने आप लोगों के साथ अपना वैनिटी टूर शेयर किया था, जो मैंने खुद बनवाई थी। अब ये मेरा सेकंड वैनिटी टूर है आपके साथ, तो ये भी मेरी कस्टमाइज्ड वैनिटी है जो आप देख सकते हो, मैंने बनवाई है ये, और इसे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है क्योंकि ये कभी क्लीन नहीं हो पाती है। हाँ, आई थिंक सारे मेकअप यूट्यूबर्स या ब्यूटी ब्लॉगर्स के साथ ये प्रॉब्लम होता होगा। आई दिन न्यू पियर्स, आई दिन न्यू मेकअप, यू नो, आते हैं डेली, आपको मेकअप करना है शूट्स के लिए, तो वो बिखरा रहता है, 99% तो बिखरा रहता है। मेरा रूम भी हमेशा बिखरा रहता है, अभी दिखाने की हालत में नहीं है, मैं इसे करती रहती हूँ। सो या, अगर आप अपनी वैनिटी ऐसे बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको कॉस्ट वगैरह सब चीज़ आइडिया दे दूंगी कि आप बनवा सकते हो, कैसे कर सकते हो, सब कुछ। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो ये जो वैनिटी है ये मैंने 6 to 7 months, आई थिंक मोर देन दैट, जब वाइशा पेट में थी तब के आसपास बनवाया था मैंने, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। इसने मुझे कॉस्ट किया 25,000। मैंने आइकिया पे वैनिटी सर्च की थी, एग्जैक्टली इस तरीके की वैनिटी आपको वहाँ पे दिख जाएगी, बट वो यू नो एक पेपर बोर्ड की तरीके के होते हैं, इतनी ज़्यादा स्टर्डी, इतनी ज़्यादा हार्ड और इतना टिकाऊ नहीं होता है, और आइकिया दिल्ली में अवेलेबल भी नहीं था मुझे, बट मुझे वो वैनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एग्जैक्टली इस तरीके का कुछ था, यू नो, अलग अलग इस तरीके के आपको शेल्फ मिल जाते हैं, इस तरीके के चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं, और बीच में इस तरीके का एक पार्टीशन भी होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब आप अलग अलग ले सकते हो, अलग अलग चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें थी, बट मुझे वो यहाँ डिलीवर नहीं हो रहा था, और अगर मैं यहाँ दिल्ली में डिलीवर कराती तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ रही थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं यू नो बनवाऊंगी, कारपेंटर से बनवा लूंगी, तो पापा ने मेरे को हेल्प किया बनवाने में, मैंने बताया उनको, सारी चीज़ें दिखाई कि मुझे इस तरीके से एग्जैक्टली कट चाहिए, जैसे इनमें कट्स हैं, सारी चीज़ें मुझे अलग से एक बोर्ड चाहिए, और ये दीवार में मैंने फिट कराया, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर एक लॉक है, हाँ, लाइक यू नो पिन करा के ऐसे, और जब मैं यहाँ से कभी भी शिफ्ट होती हूँ या मुझे कहीं और अपना मेकअप स्टूडियो बनाना है तो मैं इसे शिफ्ट कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं, बिल्कुल अलग होके हट जाएगा। ये भी फ्लैप है, इसके ऊपर अलग से बोर्ड लगवाया है, एंड ये सरमाइके का वर्क है, ठीक है। तो 25,000 में से मुझे कॉस्ट किया है, डिपेंडिंग कि आप क्या मटेरियल लगवा रहे हो, आपका 20 से लेके 25,000 में बन जाएगा, बट ये लाइफ लॉन्ग है क्योंकि मैंने इसमें बोर्ड यूज़ करवाया है, तो ये बहुत स्टर्डी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट माय वैनिटी। ये मिरर मैंने अलग से बाय किया था, इसने मुझे कॉस्ट किया 2500 लाजपत नगर से, एंड बाकी ये जो डेकोर आइटम्स आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें अलग अलग मैंने अमेजोन से, कहीं से कुछ, कहीं से पर्पल से था, मेकअप है, एंड या ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम इस सेक्शन से। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो एक आपको मिल जाएगा प्लांट, देन यहाँ पे है फ्लैमिंगो, एक क्वीन एक किंग, दोनों ही मेरे को होता है, और एक देन यहाँ व्हाइट कलर का वास है, देन इस वाले शेल्फ पे मैंने एक्चुअली मेकअप नहीं स्टोर किया क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मैंने बहुत लोगों को देखा था, तो मुझे ऐसी यहाँ पे है एक यू नो चिल शोपीस जिस पे लिखा है चिल, एंड उसके साथ ये पर्पल कलर का आउल, जस्ट ब्यूटिफुल, क्यों, क्योंकि चिल आई फील यू नो थोड़ा सा आउल जो होते हैं वो चिल करते हैं रात में, जाग रहे होते हैं, मतलब यू नो ऐसा कुछ मैंने लगाया। एंड इस वाले शेल्फ पे अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे कुछ परफ्यूम्स हैं, मेरे पास अच्छा खासा परफ्यूम का कलेक्शन है, बट मुझे लग्जरी परफ्यूम्स रखना बहुत पसंद है। ये मेरा शिनैल का है, ये एस्टे लॉडर का है, ये के अली का है, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, जूसी कुटोर, हाँ जिस जूसी कुटोर, डॉल्ची गबाना, एंड दिस कैरोलिना गुड गर्ल का है ये, एंड दिस इज टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर, ये मैंने पीछे रखा हुआ है, ऑल आर माई फेवरेट। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने कुछ कुछ यूज़ किया, दिस इज़ न्यू वन, दिस इज के अली का स्वीट डायमंड, इस वाले शायद। अगर हम नीचे देखेंगे तो एक लिपस्टिक का आपको होल्डर दिख जाएगा, इसमें बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं, मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन काफ़ी ह्यूज है, मैं वैसे डीक्लटर करती रहती हूँ, बट स्टिल यहाँ पे मेरी मिलानी की है, मेबलिन की है, शुगर की है, देन दिस लैक्मे की, एंड दिस बिलौरा कॉस्मेटिक्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल शेड 60/16 T x 16, बहुत ही सुंदर है शेड, देन स्टे कोके की मिनी लिपस्टिक्स हैं यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, जैसे कि ये वाला शेड बहुत ही सुंदर न्यूड शेड है, अमेजिंग न्यूड जिसे कहेंगे, न्यूड नहीं, अमेजिंग न्यूड शेड है, दिस इज शेड ही इज़ नॉट माइन 10। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत प्यारा सा अगेन वाइट कलर का वास है विद सम फ्लावर्स, जस्ट डेकोरेटिव आइटम, दैट्स इट। यहाँ पे एक है ट्रे,
ग्लास ट्रे, मिरर ट्रे है ये, ठीक है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरा ये ग्लो टॉनिक है, देन लॉरियल का रिवाइट लिफ्ट बहुत पसंद है, मेरा सेकंड बॉटल है। दिस इज़ माय वाटरमेलन ग्लो नियासिनामाइड ड्यू डूई ड्रॉप्स, बिट एक्सपेंसिव टेलिंग यू बिट, बट आई लव्ड इट। आई फील कि जब मैं इसे लगाती हूँ, मेरे कुछ कुछ शीनो मॉइस्चराइजर्स हैं जब मैं इसे लगाती हूँ, आई फील कि मेरी स्किन ग्लास स्किन जैसे फील करती है, दैट्स व्हाई आई लव्ड इट। देन आई हैव सम शार्लेट टिलबरी के सीरम्स, मेरी नाइट क्रीम, मेरे एस्टी लॉडर क्रीम, देन अगेन नाइट क्रीम, क्लेयर्स का मॉइस्चराइजर, कुछ चीज़ें जो मैं लेयर करती हूँ डेली बेसिस पे वो यहाँ पर रखी हैं। एंड दिस इज अ बिग साइज मिरर, फुल बिग साइज मिरर, जिसे मैं मेकअप करूँ तो मुझे यहाँ तक का पूरा दिखाई दे, ठीक है। और अगर बहुत लंबे हो आप तो आपको काफ़ी हद तक दिखाई देगा, ठीक है। देन ये है सेकेंड शेल्फ, ये अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। तो फर्स्ट अगर सेम देखोगे तो जिस साइड मैंने उधर भी वही रखा था, सेम इधर भी प्लांट है, ग्रीन कलर का फेक प्लांट है। देन दिस केज लैम्प, आई लाइक इट, बहुत अच्छा रोज गोल्ड केज लैम्प है, मेरा हॉल आपने देखा होगा उसमें दिखाया था। देन दिस LED लैम्प, लिप लैम्प, बहुत सुंदर है, आई लाइक दिस वन। देन दिस फ्रेम जिसमें क्लीफ है, एंड यहाँ पे है मेरी बॉडी मिस्ट, ये हैं बाथ एंड बॉडी के बॉडी मिस्ट, मेरे पास 4 से 5 हैं तो मैंने 3 यहाँ पे रखे हुए हैं। देन यहाँ पे एक छोटा लिपस्टिक का लिपस्टिक होल्डर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी मेरी मेबलिन की लिपस्टिक्स हैं, शुगर की लिपस्टिक्स हैं, देन लाइम क्राइम, देन मैक की लिपस्टिक्स हैं, और ये है रूबी वू मैट वाला फिनिश। एंड उसके बाद आई लाइक दिस वन, अच्छा बाय द वे मैंने इस टाइम पे आई एम वेयरिंग शुगर की लिपस्टिक इन द शेड जैक पीचर, मैट लिपस्टिक है ये, एंड बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं यहाँ पे, ओके ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स की, तो ये मेरा फर्स्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे ठीक है, तो यहाँ पे छोटी है, उससे बड़ी और उससे बड़ी, तो मैंने ऐसे बनवाया था कि यहाँ पे जैसे आईब्रोज हो गए, आईलाइनर्स हो गए, ये लिपस्टिक आ जाएगी, देन कॉम्पैक्स आ जाएंगे, फाउंडेशन, सेटिंग स्प्रेज, इन सब के साइजेस बड़े होते हैं, तो मैंने उस तरीके से बनवाई थी। तो इसमें मेरे ये मेरी आईब्रो पेंसिल्स, आईलाइनर्स, काजल्स हैं, ये मेरे लिप लाइनर्स एंड कलर्ड काजल्स हैं, ये मेरे लिप लाइनर्स हैं, ठीक है। ये कलर बार का है, एंड देन आई हैव पैक का, शार्लेट का, एंड उसके बाद यहाँ आईलाइनर्स हैं, यहाँ लिप बाम्स एंड लिप सीरम्स हैं, आईब्रो पोमेड एंड सब टिंट्स, एंड देन आई हैव लॉट्स ऑफ मस्काराज, लाइक लॉट्स ऑफ मस्काराज, लिटरली मैंने इनको अच्छे से सेक्शन में किया हुआ है, और मैं ऐसे ही रखती हूँ, ये अभी का यू नो सेटअप नहीं है, ये परमानेंट सेटअप है, ताकि मैं ढूंढ पाऊँ अदरवाइज मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगी। सेकंड यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे फाउंडेशन कॉम्पैक्ट्स हैं अलग, ये मैंने खरीदे थे, ठीक है। इसमें नीचे अगर देखोगे तो फाउंडेशंस एंड कंसीलर्स एंड फाउंडेशंस, दैट्स इट। इसमें आपको सारी लिपस्टिक्स मिल जाएंगी, ऑल लिक्विड लिपस्टिक्स अलग, बुलेट अलग, इस तरीके से लिप ग्लॉसेस अलग। इधर जो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है उसमें सबसे पहले मैं रखती हूँ मेरे ब्लशर्स, यहाँ सारे ब्लशर्स एंड ट्रियो पैलेट्स भी मिल जाएंगे आपको, जैसे कलर बार का है, शुगर का है, ठीक है। अच्छा बाय द वे अगर आप मेकअप खरीदना चाहोगे ना, पर्पल पे सेल चल रही है इस टाइम पे, उनकी आई हार्ट ब्यूटी सेल चल रही है, आई हार्ट ब्यूटी सेल जो कि 14 February तक रहेगी, तो आप उस सेल में अपना कोई भी फेवरेट मेकअप बाय कर सकते हो, 500 ब्रांड्स पे अप टू 50% तक का ऑफ चल रहा है गाइज, या ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे लैशेज हैं, हाइलाइटर्स हैं, आई लव, अच्छा ब्लश के साथ ये वाला जो सेक्शन है वो ब्रॉन्जर का है, आई डोंट हैव सो मेनी ब्रॉन्जर्स, बट जो भी है बहुत सुंदर सुंदर रखती हूँ मैं इससे। एंड देन आई हैव सेटिंग स्प्रेज, प्राइमर्स, पिगमेंट्स, आईलाइनर्स, कलर्ड आईलाइनर्स एंड सम सेटिंग स्प्रेज, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। बाकी ये जो दो हैं वो हैं आई शेडो के, इस तरीके से मैंने इनमें आई शेडोज रखे हुए हैं। ये मेरी वैनिटी थी, इस तरीके से मैंने अपने मेकअप को अरेंज किया हुआ है, रखा हुआ है, मैंने इस तरीके से अपनी वैनिटी को थोड़ा डेकोर दिया है, मतलब मुझे डेकोरेट करना वैनिटी अच्छा लगता है, बट क्लीन करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है ना समटाइम्स। सो या दैट वाज इट फॉर दिस माय वैनिटी टूर, अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कोई भी क्वेरीज अगर है रिलेटेड टू वैनिटी तो आप मुझे बता सकते हो, वैसे मैं सारी चीज़ें बता दी है, 20 to 25,000 होता है अप्रॉक्स, आपको थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, कुछ कुछ डिमांड्स होती हैं, लाइक कितनी, मेरे यहाँ पे 5 ड्रॉर्स हैं, मान लीजिए आप 6 या 7 लेते हो, आप हाइट ज़्यादा लेते हो तो आपका बोर्ड ज़्यादा लगेगा, सरमाइका ज़्यादा लगेगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो सारी चीज़ें आपकी वो कैलकुलेट करके 30 भी बोल सकते हैं। या गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा बाय द वे अगर आप मेरा मेकअप कलेक्शन भी देखना चाहते हो तो उसके लिए कॉमेंट करके बता दीजिएगा, मैं 2022 का मेकअप कलेक्शन आपके साथ शेयर करूंगी, ओके बाय, आई लव यू।